नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र में। तो दोस्तों, आज हम अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का आखिरी टॉपिक, मतलब परमानेंट इफेक्ट का आखिरी टॉपिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और टेम्परेरी इफेक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं या नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का दोस्तों जो सबसे पहला नाम है वो है बेकर नाथन इफेक्ट और दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कंडीशंस क्या क्या होती हैं, मतलब हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए कंडीशंस क्या होती है। जैसे कि रेजोनेंस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कंजुगेशन होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। उसी तरीके के हाइपर कंजुगेशन के कंडीशंस क्या होती है, सबसे पहली एक ही कंडीशन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये यही इकलौता कंडीशन है, ये आप हर केस में अप्लाई कर सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन होती है आपके पास एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, उसके विसिनिटी में एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। सबसे पहली चीज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसे हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कार्बोकेटायन। क्रैश कोर्स है दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये उन छात्रों के लिए जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में पाया जा सकता है, कार्बोकेटायन में पाया जा सकता है और एल्कीन में पाया जा सकता है। किस में पाया जा सकता है, एल्कीन में, यानी कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो किस में देखने को मिलेगा, कार्बोकेटायन, एल्कीन और फ्री रेडिकल, ठीक है। यही तीनों केस में जो कार्बन होता है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और एनायंस के केस में तब होता है जब एनायन, जब वो निगेटिव चार्ज किसी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ सके, ठीक है। तो चलिए, कंडीशन है कि एक sp2 कार्बन होना चाहिए और उसके विसिनिटी में एक sp3 कार्बन होना चाहिए और उस sp3 कार्बन पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या आप यहाँ क्लियर हुई, कंडीशन ये है कि एक कार्बन होना चाहिए जो sp2 हो, उसकी विसिनिटी में जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए और sp3 होने के साथ साथ उसके पास एक हाइड्रोजन, एक ना एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। अब चलिए इसका केस देखते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है दोस्तों और ये कार्बन इसके विसिनिटी में है और ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, तीन हाइड्रोजन है, यानी कि ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बात करते हैं कहां कहां पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सीन इन एल्कीन sp2 होता है, कार्बोकेटायन sp2 होता है एंड फ्री रेडिकल, यानी कि उन केसों में जहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 संकरण है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उस केस में हाइपर कंजुगेशन की देखे जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होना चाहिए, उसके साथ एक और कंडीशन है दोस्तों कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बगल में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। ऐसा नहीं है कि अगर तीन हाइड्रोजन है या दो हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, मिनिमम एक हाइड्रोजन की जरूरत है आपको हाइपर कंजुगेशन कराने के लिए, ठीक है। अब देखिए हाइपर कंजुगेशन क्या, हाइपर कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या होता है, जैसे रेजोनेंस में हम लोगों ने देखा था पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पी ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड के जो ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है पी ऑर्बिटल के साथ, पी ऑर्बिटल के पास, ठीक है। और रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है दोस्तों डीलोकलाइजेशन फ्रॉम प्योर पी ऑर्बिटल, यानी कि जब प्योर पी ऑर्बिटल से डीलोकलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस, और जब जो डीलोकलाइजेशन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। और इंडक्टिव इफेक्ट दोस्तों सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने आपको आखिरी टर्म पे जब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कहीं भी अगर आपको बताया जाता है तो वो गलत बताया जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। चलिए ये बात हो गई, आगे देखते हैं केसेस, देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस केस में दोस्तों हाइपर कंजुगेशन पाया जाता है। चलिए
अब आप लोगों से मैं पूछूंगा इस इसमें किस किस केस में यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, ये लेसन आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन यानी कि ये चीज़ कन्फर्म होती हुई कि ये जो कार्बन है वो sp2 संकरण है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब उसके विसिनिटी में जो कार्बन है, सबसे पहली चीज़ पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो होता है उसके जस्ट बगल वाले पोजिशन को अल्फा पोजिशन हम बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, एक कार्बोकेटायन का कार्बन है तो उसका जस्ट बगल वाली पोजीशन यानी कि अल्फा पोजीशन। तो अल्फा कार्बन पे हमको एक ना एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। इस केस में अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं यानी कि इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, आप ध्यान देते चलिए, साथ में क्वेश्चन को खुद से लगाते चलिए। अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसमें एक कार्बोएनायन आपको दिख रहा होगा। कार्बोएनायन है तो सबसे पहली चीज़ तो ये sp3 है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है वो sp3 पाया जा रहा है। दोस्तों ये अब मैटर ही नहीं करता है कि उसके विसिनिटी वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है या कि नहीं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित नहीं करेगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं अगले केस की। दोस्तों ये केस जो है एक फ्री रेडिकल की बात हो रही है, यहाँ पे एक मुक्त मूलक की बात हो रही है और फ्री रेडिकल में जो कार्बन होता है जिस पे रेडिकल होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 संकरण पाया जाता है उसमें। अब देखते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा ये कार्बन है, इसके जस्ट बगल की जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन, उस पे अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन कहने पे कंफ्यूज नहीं होना है, अल्फा पोजीशन के कार्बन पे जो हाइड्रोजन पाया जाएगा हम उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात आपको नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको sp2 हाइब्रिडाइज कोई भी और कोई भी कार्बन दिख रहा है तो आप मुझे बताइए। जी हाँ, जो दोस्तों दो पोजीशन है जो कि sp2 संकरण प्रदर्शित कर रही है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज हैं। अब देखना है उसके अल्फा पोजीशन पे, अब देखिए ये वाला कार्बन है, इसके अल्फा पोजीशन पे कोई कार्बन नहीं मौजूद है तो इस तरफ से तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कोई चांसेस जो हैं वो बंद हो गए। देखते हैं इधर से दोस्तों, अगर ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो ये अल्फा कार्बन हो गया। आप देखिए अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन का पाया जाना ज़रूरी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रदर्शित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइक्लोहेक्सीन का एग्जांपल यहाँ पे हमारे सामने है। यहाँ पे डबल बॉन्ड जहाँ पे है वो दोनों जो कार्बन है दोस्तों वो sp2 संकरित हैं। ठीक है, अगर ये sp2 संकरित हैं तो इसके जो अल्फा पोजीशन, एक ये अल्फा पोजीशन हो गई, एक ये अल्फा पोजीशन हो गई, दोनों पोजीशनों पे हाइड्रोजन है दोस्तों, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे पाए जा रहे हैं तो ये इस केस में ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है। ये तो हमने सीखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होगा, पर अब सीखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कार्बोकैटायन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलिए यहां पर कार्बोकैटायन है, कार्बोकेटायन का कार्बन sp2 संकरण है, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, उसके अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है 3-3 हाइड्रोजन उसके पास पाए जाते हैं। अब देखिए कार्बोकेटायन जो होता है वो अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं, कोई भी चार्ज स्पीसीज जितनी होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं अपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कार्बोकेटायन जो है वो इजीली किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है यानी कि उसकी स्थिरता बहुत कम होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है ज़्यादातर मॉलिक्यूल, क्योंकि यही लॉ है नेचर का, सब कोई अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने की फिराक में होता है। अब इसको भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है। आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी कम कैसे किया जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी कम ऐसे किया जा सकता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दिया जाए, तो उसके लिए रिएक्शन करनी पड़ेगी।
और अकेला मॉलिक्यूल खुद से रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो इस केस में क्या हो सकता है दोस्तों, इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, देखिए अगर मान लीजिए हमको इस केस में रेजोनेंस कराना होता तो रेजोनेंस के लिए दोस्तों हमको इस पोजीशन पे निगेटिव चार्ज चाहिए होता, तब ये निगेटिव चार्ज यहाँ जाकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता, लेकिन अभी यहाँ पर अपन के पास निगेटिव चार्ज नहीं है तो निगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट होगा निगेटिव चार्ज, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आएगा कार्बन पे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कार्बन पे आ जाएंगे दोस्तों, तो इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा निगेटिव चार्ज और ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, फिर अगला स्टेप में क्या होगा दोस्तों, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज था, डबल बॉन्ड बन जा रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो स्लाइटली इंक्रीज कर रही है। अब देखिए ऐसा है कि ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये डायनेमिक प्रोसेस है। अब जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतनी बार ये प्रोसेस होगी, यानी कि पहले ये हाइड्रोजन से, फिर ये हाइड्रोजन से, और फिर ये हाइड्रोजन से, यानी ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है वो तीन बार होगी, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका प्रेजेंस जो है वो कम होगा। अगर मान लीजिए कोई आइसोलेटेड कार्बोकेटायन है, ये कोई एक आइसोलेटेड कार्बोकेटायन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज परसिस्टेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो हमने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाए हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज कुछ टाइम के लिए तो हट रहा है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियस स्टेबिलिटी आती है, बाकी आइसोलेटेड कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर तो हमने बात की थी, बात करते हैं कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो दोस्तों जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब जितने ज़्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा कार्बन पे उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन हैं, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतनी बार ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये आपको अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल ये चीज़ आप समझ लीजिए और अगर आप चाहें तो इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने चलिए नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यानी कि उतना देर तक पॉजिटिव चार्ज जो है, या फिर अगर हम डबल बॉन्ड के केस में देखेंगे तो उतना देर तक पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल पे नहीं है, यानी कि जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, यानी कि अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मैंने हाइयर इज़ द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइयर द स्टेबिलिटी, ठीक है। हेयर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक सो इट इज़ वीकर देन रेजोनेंस, रेजोनेंस में दोस्तों पाई बॉन्ड ब्रेक होके मूव करता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज आ रहा है और ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहा है। तो पहले सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ रहा है, इस वजह से जो ये प्रोसेस है हाइपर कॉन्जुगेटिंग का, हाइपर कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों वो रेजोनेंस से वीक होता है, यानी कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ाने की बात आएगी तो रेजोनेंस के केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी कार्बोकेटायन के हाइपर कॉन्जुगेटिंग की तुलना में। ये क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों लास्ट में, ठीक है। ये बात हो गई स्लाइड की, चलिए अब अपने अगले स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन पढ़ते हैं दोस्तों कि एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। चलिए हमने कार्बोकेटायन के केस में पढ़ लिया, अब हम लोग एल्कीन के केस में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, सबसे पहला काम हम वही करेंगे, H+ यहाँ से जाएगा और इस कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ गए, तो ये निगेटिव चार्ज जब यहाँ जाएगा तो इस कार्बन पे पांच बॉन्ड होने लगेंगे और कार्बन जो है वो पांच बॉन्ड नहीं विथस्टैंड कर सकता है, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और जितनी यहाँ पे पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, आप देखिए दोस्तों पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो ये इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़ेंगे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन।
चलिए रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ क्या होता था, H प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देके जाता था, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है, एल्कीन है दोस्तों। जब ये कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फ्लोरीन अपने ऊपर लेके एफ माइनस के फॉर्म में निकला, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे एक कॉन्जुगेशन बना जिससे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ गया और यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया। हेयर इंस्टीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट शुड बी अटैच टू अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे हमको एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकल सके। तो ये दोस्तों रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है, नीट में आने के चांसेस जो इसके हैं वो जीरो हैं, नीट में इसके क्वेश्चन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एरोमेटिक सिस्टम्स। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एरोमेटिक सिस्टम पढ़ते हैं दोस्तों, चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन एरोमेटिक सिस्टम। अब देखिए क्या होता है, बेंजीन के ऊपर दोस्तों सी एस थ्री ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे सी एस थ्री ये एस पी टू कार्बन है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए बेंजीन के सभी कार्बन एस पी टू होते हैं और इसके जस्ट बगल में एक एस पी थ्री कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, तो एच प्लस बाहर जाएगा, निगेटिव चार्ज आया। अब जैसे मैंने आपको प्लस एम ग्रुप का बताया था सेम उसी तरीके का रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज, फिर ये यहाँ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, फिर ये यहाँ और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये है हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एरोमेटिक सिस्टम जो है वो भी सेम उसी तरह है जिस तरह से हमने प्लस एम इफेक्ट पढ़ा था, बस उससे थोड़ा वीक होता है, ठीक है। अगला स्लाइड उसी पे बेस्ड है दोस्तों, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इज सिमिलर टू द प्लस एम इफेक्ट एंड ओनली ऑब्जर्व एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है यही बात है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ऑब्जर्व होता है, ठीक है, बट इट इज वीकर देन प्लस एम इफेक्ट। हाँ प्लस एम इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जो कि वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करते हैं पी ऑर्बिटल के साथ, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस हो रहा है तो होता है थोड़ा वीक होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जैसे मैंने बताया कि ये प्लस एम इफेक्ट की होता है, उसी तरह एरोमेटिक सिस्टम में जो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो माइनस एम इफेक्ट की तरह होता है, ठीक है। चलिए ये हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की थ्योरी आपके सामने ख़त्म की, अब जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। फटाक से हम लोग बात करते हैं दोस्तों हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में। हमने ये सारे परमानेंट इफेक्ट ख़त्म कर लिए, अब हम बात करते हैं टेम्परेरी इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए टेम्परेरी इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, ये अपने आप इंडक्टिव इफेक्ट जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से अपने आप होता है, रेजोनेंस जो होता है वो जब भी कंजुगेशन होता है तो वो अपने आप होता है, लेकिन जो टेम्परेरी इफेक्ट्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो किसी रिएजेंट के अप्रोच की वजह से होगा, जब तक कोई रिएजेंट अप्रोच नहीं करेगा तब तक ये इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता है किसी रिएजेंट के अप्रोच की वजह से, ठीक है। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है क्योंकि रिएजेंट नहीं रहेगा तो ये मूवमेंट नहीं होगा, सो डज नॉट अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसमें क्या होता है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखिए इसका एक एग्जांपल है दोस्तों हमारे सामने, मैं वो आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक। चलिए ये हमारा लास्ट स्लाइड है दोस्तों, अब देखिए क्या ये एल्कीन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, जब H+ के पास क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी, H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, जब ये इसकी तरफ बढ़ेगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से जो लूजली बॉन्डेड होते हैं ये H+ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है, क्योंकि वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो एल्कीन जो होता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक कार्बन पर शिफ्ट होना पड़ेगा, और जैसे वो एक कार्बन पर शिफ्ट हुआ इस पर कार्बन पर आ गया निगेटिव चार्ज, अब ये H+ इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में हुआ, अगर ये नहीं होता तो ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Cn- एक न्यूक्लियोफाइल है, जब ये इस कार्बन की तरफ जाएगा इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की वजह से इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगेगी और ये
कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है, तो तुरंत ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। और ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में होते हैं। तो दोस्तों ये हमने परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में आपसे बात कर ली। अब हम अगले टर्म पे मिलेंगे दोस्तों आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, उसमें मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्रैश कोर्स है दोस्तों, जल्दी सिलेबस खत्म करना है ताकि लास्ट में हम लोग क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। तो आप इस पूरे चैप्टर के नोट्स अच्छे से बनाएं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और नीट शास्त्र से जुड़े रहें। धन्यवाद।